हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने नथिंग फोन वन एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के डेटा का बैकअप कैसे ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, क्योंकि बिना इंटरनेट के बैकअप कंप्लीट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आप नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है सिस्टम, इसे सेलेक्ट करना है। इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है बैकअप का, इसे सेलेक्ट करना है। अब इस पेज में आपको ऑप्शन मिलता है, यानी कि आपकी जो जीमेल आईडी होती है ना, ये आपको दिखाई देती है, इसे आपको पहले सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास एक से ज्यादा जीमेल आईडी है तो उस जीमेल आईडी को सेलेक्ट करना है जिस जीमेल आईडी पे आपको बैकअप चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे ये फोटो एंड वीडियो के सामने बॉक्स पर राइट टिक लगाना है। इसके बाद आपको नीचे अदर डिवाइस के सामने बॉक्स पर राइट टिक लगाना है। इसके बाद आपको नीचे कंफर्म का ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर देना है। इससे क्या होगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक लाइन चलने लगेगी, तो जब तक वो लाइन 100% कंप्लीट नहीं होती है तब तक आपको अपने मोबाइल फोन का इंटरनेट बंद नहीं करना है, फोन को स्विच ऑफ भी नहीं करना है, यानी फोन को कट नहीं करना है। तो जब 100% आपकी लाइन वो कंप्लीट हो जाएगी तो आपका बैकअप आपके मोबाइल फोन के डेटा का मिल जाएगा आपको आपकी जीमेल आईडी पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन के डेटा का बैकअप ले सकते हैं। देखिए, इससे फायदा क्या होता है, जिस जीमेल आईडी पे आपने बैकअप लिया है ना, उस जीमेल आईडी को अगर आप किसी दूसरे मोबाइल फोन या दूसरे डिवाइस में लॉगिन करेंगे ना, तो उस दूसरे डिवाइस में आपके मोबाइल फोन का सारा डेटा वहां पे दिखाई देगा, इस फोन में भी दिखाई देगा और वहां पे भी दिखाई देगा, ठीक है ना।